जैन फ्रेंड्स, आप लोगों के मन में यही रहता है कि बीएड कॉलेज के लिए एंट्रेंस एग्जाम तो देते हैं, लेकिन सरकारी कॉलेज तक अधिकांश छात्र नहीं पहुंच पाते हैं, इसका क्या वजह है? साथियों, सबसे बड़ी बात यही हो जाती है कि आपको पता होना चाहिए कि सरकारी कॉलेजों की संख्या कितनी है, कट ऑफ कितना जाता है, और उस कट ऑफ को पकड़ने के लिए तैयारी कैसे करें। ये दो तीन पॉइंट को यदि आप समझ जाइएगा तो निश्चित रूप से आप बीएड एंट्रेंस को आसानी से क्लियर भी कर पाइएगा और आप जो है सरकारी कॉलेज का जो आपका सपना होगा उसको भी आप पूरा कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले यही जान लीजिए कि सरकारी कॉलेज में जाने के लिए आपको कट ऑफ बहुत हाई पर चला जाता है, ठीक है। अब हाई पर का क्या मतलब है? आपको पता है कि 120 मार्क्स का एग्जाम होगा। 120 मार्क्स के एग्जाम में चूंकि रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं, रीजनिंग से आपको 25 प्रश्न पूछे जाते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड जो हो जाता है उससे 25 प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको 40 प्रश्न जो है जनरल अवेयरनेस से पूछा जाता है, जीके से 40 प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें साइंस भी रहता है, ठीक है। अब उसके बाद हिंदी जो आपका है, हिंदी से 15 प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके बाद आप इंग्लिश ले या संस्कृत ले, ठीक है, इससे 15 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो कुल 120 प्रश्न पूछे जाते हैं। और कट ऑफ कितना चला जाता है? कट ऑफ चला जाता है जनरल के लिए आपको 80 से 82 पर चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि 82 से कटेगा और घटते हुए एडमिशन होता है तो 80 तक हो पाता है, ठीक है। अगर बीसी कैटेगरी की बात कर ले तो वो भी आपको 75 से लेकर के और 80 तक चला जाता है। ईबीसी की बात कर ले तो ये भी आपको 73 से लेकर के लगभग 78 के आसपास रहता है। लेकिन ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में थोड़ा सा बीसी के समकक्ष रहता है, जनरल से घट जाता है, 75 से 80 के आसपास ये भी आपका इसमें रहता है। और एससी की ही बात करें तो वो भी लगभग आपको 72 से 75 के आसपास रहता है। सरकारी कॉलेज की हम बात करते हैं, सरकारी कॉलेज, तो सरकारी कॉलेज में जाने के लिए चूंकि फॉर्म 20 तारीख से भरा रहा है, ठीक है, फॉर्म 20 तारीख से भराएगा और 15 मार्च तक भराएगा, 15 मार्च तक भराएगा। आपको एडमिट कार्ड की अगर बात कर रहे तो वो 30 मार्च के आसपास देने की बात हो रही है, और एग्जाम के डेट की बात कर रहे तो 8 अप्रैल दिखाया जा रहा है, जो कि टेंटेटिव है, एक दो दिन आगे पीछे भी हो सकता है, दो चार दस दिन भी आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। देखिए तो ये टेंटेटिव डेट है। अब यहां एक बात सबसे महत्वपूर्ण क्या ध्यान देना है, आप लोग यदि देखिए तैयारी करना चाहते हैं तो 24 फरवरी से आपके लिए बैच हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। 24 फरवरी से बहुत ही जबरदस्त टीम, अभी डेली एंट्रेंस का क्लास चल रहा है, बीपीएससी प्रधान शिक्षक का क्लास चल रहा है, आप लोग भी यदि क्लास करना चाहते हैं तो 24 फरवरी से आपके लिए क्लास लॉन्च किया जा रहा है। संध्या 5 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक आपकी कक्षा होगी, 5 बजे से 7:30 बजे तक पीडीएफ मटेरियल, 4 शिक्षक आपको क्लास देंगे, अलग अलग विषयों के अलग अलग एक्सपर्ट, रीजनिंग के एक्सपर्ट आपको रीजनिंग पढ़ाएंगे, जीके के एक्सपर्ट आपको जीके पढ़ाएंगे, हिंदी के एक्सपर्ट आपको हिंदी पढ़ाएंगे, और इंग्लिश के एक्सपर्ट इंग्लिश पढ़ाएंगे, और टीचिंग एप्टीट्यूड जो है मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, आपको 4 से 5 शिक्षक के द्वारा पढ़ाया जाएगा और 5 से 7:30 बजे तक 2.5 घंटे की कक्षा होगी, 2.5 घंटे की कक्षा होगी। और इस कक्षा को करने के बाद वादा है मेरा कि आपका जो सपना सरकारी कॉलेज तक का है वहां तक आप पहुंच सकते हैं। और भी बातों को जान लीजिए, ठीक है, और भी बातों को जान लीजिए, और बातें क्या है यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्योंकि 20 फरवरी से आपका ये ऑनलाइन आवेदन शुरू हो रही है, तो ऑनलाइन आवेदन पहले करें, आवेदन करें और 24 तारीख से एकदम आप क्लास को ज्वाइन कर लें। 20 से आपके लिए, अब ज्वाइन कैसे करेंगे तो उसके लिए आप एक नंबर 8969094103 ले लीजिए, या दूसरा ले लीजिए 8227 87, ठीक है, 8227871973, ठीक है, 82 27 87 19 73 89 694 94 103, इन दोनों में से किसी नंबर पर आप व्हाट्सएप करिए और जानकारी प्राप्त करिए कि कैसे क्लास होगा, एकदम न्यूनतम फीस पर, न्यूनतम कहिए ना, न्यूनतम, ठीक है, आराम से आप जो है क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं और आपका सपना जो है सरकारी कॉलेज का जो है वो पूरा हो सकता है। अगर बात कर ले कौन कौन लोग इसके लिए एलिजिबल है, जिनका भैया 18 साल हो गया है, 18 साल से अधिक के लोग सारे एलिजिबल है, 18 से अधिक के सभी लोग एलिजिबल है। अब पैसा कितना लगेगा फॉर्म भरने में, तो जो जनरल वाले भैया है हमारे उनको 1000 रुपया देना होगा, जितने भी बीसी है, बीसी ईबीसी और महिला है, महिला है, इनको 750 रुपये देने होंगे, और जो एससी और एसटी से बिलोंग करते हैं उनको 500 रुपये देने होंगे। ये राशि है, ये क्राइटेरिया है, आराम से फॉर्म भरिए और फॉर्म भरने के बाद जस्ट ही नंबर पर संपर्क करिए और ज्वाइन करिए क्लास को, क्लास को ज्वाइन कीजिए, हर हाल में आपको बेहतर मार्क्स आएंगे और आप एकदम एडमिशन आपकी हो जाएगी। चलिए तो आपका सपना साकार होगा और आप एक शिक्षक के रूप में बहुत ही जल्द देखने को आपको जो है मिलेगा, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।